हेलो, वेलकम बैक टू एक्टिव फिल्म्स। आप सभी का स्वागत है एक्टिव फिल्म्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लास्ट तक एनिमेशन सिखाने वाला हूं। इसमें मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप वह वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैंने 2 साल पहले ही अपलोड की थी। अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात, और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, और देखकर आप वो सब बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बेसिक चीजें सिखाई हैं ज्यादा, क्योंकि मैं इस वीडियो को मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड करा था, जब मैं भी एनिमेशन सीख चुका था पहले, पर उतना प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि तब सीखा ही सीखा था, इसीलिए मैंने वह वीडियो बना दिया था। इसलिए मैंने उसमें ज्यादा प्रोफेशनल जाके ना सिखा पाया हूँ। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बेसिक ही सीखना है तो आप उस वीडियो से जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अब तो मुझे आइक्लोन सॉफ्टवेयर को चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, तो आप 2 साल में समझ सकते हैं क्या एक्सपीरियंस आ सकता है किसी चीज को हम बार बार यूज करते हैं। तो अब तो मतलब ये है कि आइक्लोन चलाने में पहले जमीन आसमान का फर्क हो गया है, अब इतना अच्छे से अब आइक्लोन आ गया है। तो अब मैंने, और अगर आपको बेसिक से ऊपर सीखना है तो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट के ऊपर हमने एनिमेशन कोर्स अपलोड किए हैं, जिसमें हमने 2 टाइप के एनिमेशन कोर्स बनाए हुए हैं। इसमें आपका एक है एमजीओ वीडियो से रिलेटेड है, और एक आपका कार्टून स्टोरीज रहती हैं उनसे रिलेटेड है। आप जो भी लेना चाहें, पढ़ना सीखना चाहें, तो आप कोई सा भी कोर्स लेकर सीख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोर्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से सीधे क्लिक करके सीधा आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, और वहां से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उस कोर्स को सीख सकते हैं, जिससे आप प्रोफेशनल एनिमेशन आराम से कर सकते हैं। उसमें फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कोर्स में आपको, अब 2 साल का एक्सपीरियंस, हम उस कोर्स में आपके 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा लगा दिया है, जिससे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लास्ट में लेट्स वॉच दी वीडियो। हमारा आइक्लोन 7 ओपन हो गया। मैं आपको पहले एक स्टोरी बता देता हूँ कि मैं इस पर क्या स्टोरी आपके सामने अभी क्रिएट करने वाला हूँ। तो हम इसमें करेंगे कि एक रिच पीपल होता है, एक रिच आदमी होता है, उसके घर पर एक नौकर होता है, वो मेहनती नौकर है बहुत। बस यही है कि हम उसको, एक रिच पीपल को, उससे बस बातें करवाएंगे उसके नौकर के साथ। बस यही स्टोरी हम 20-25 सेकंड की यही स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं, और इसमें आप सब कुछ जानेंगे शुरू से लेकर एंड तक कि एनिमेट कैसे करें, उसके बाद कैमरे को किस तरीके से स्विच करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आती है नहीं को ना कि जो जो एक बार दो बार अगर रेंडर कर चुका हो वीडियो, कैमरा स्विच कर चुका हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो नया नया अगर कोई इसको आइक्लोन 7 को चलाता है और उसमें अगर वीडियो रेंडर करता है, उससे काफ़ी इशू आएगा। मतलब इशू वैसे नहीं, टेक्निकल इशू नहीं, समझने का इशू आएगा, ठीक है। पहले हम एक यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे आपने अगर वो वीडियो भी मैंने शुरू में लगाया था, एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड पर ही वो सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। जैसे हमने कोई एक ग्राउंड लिया, मैं आपको स्टार्टिंग कर देता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉप्स में जाएंगे, और प्रॉप्स में जाके जो हमारा ग्राउंड हमें लेना है जमीन के लिए, वो हम ग्राउंड लेंगे। उससे सबसे पहले हम एक बार ग्राउंड लेते हैं, यहाँ से हमने अपना ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड यहाँ पर ड्रैग करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, और ये हमने अभी इसका एक ग्राउंड ले लिया जहाँ पर हम सीन क्रिएट करने वाले हैं। अभी जो ब्लैक देख रहे हो आप यहाँ पर स्काई का कलर, उसको भी हम, जो स्काई का कलर होगा वो भी हम इस पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हमने एक ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड पर हमें क्या लेना है, रिच पीपल की जो हमारी स्टोरी है, तो उसके लिए हमें एक अमीर आदमी की है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा घर लेना पड़ेगा, जिससे मालूम भी पड़े हाँ रिच पीपल का ये घर है। सबसे पहले हम जो हमारे होम है उसमें जाके, प्रॉप्स में जाके हम ले लेंगे अपने जो भी हमने होम बनाए या आपने जो डाउनलोड करे हो कोई भी, वो होम ले लें। तो सबसे पहले मैं होम ले लेता हूँ जहाँ पर मैंने सेव कर रखे हैं। हाँ ये ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करना भी ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, हाँ ये हमने हाउस ले लिया इसका, ये जो पीपल जो आदमी होगा तो इसका मालिक, तो हमें रिच दिखाना है और उसका एक नौकर दिखाना है। पहले से हम घर को सेट कर देते हैं सही से, ज्यादा नीचे हो गया। आप यहाँ से भी कसीट के कर सकते हो, मूव 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 वाले ऑप्शन से,
और आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको सही से सेट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, माउस की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, हमने ये हाउस ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके और पास, जैसे आपने उस सीन में देखा होगा चारों तरफ अंदर झोपड़ी थी, पेड़ पौधे थे और लाइट हाउस था, ठीक है, तो उसी टाइप से हम भी कुछ इसमें सीन क्रिएट कर देते हैं। लाइट हाउस तो नहीं रखने वाले, मगर कुछ अपने हिसाब से अच्छा से लगे, जिससे कि लगे हाँ सीन क्रिएट हो रहा है, लगना चाहिए थोड़ा, उस हिसाब से करेंगे। अभी हमने एक लट्ठा ले लिया, इस पर लाइटें लग रही है पास से देखो तो, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये भी। इसी टाइप से आप भी कुछ अपने अपने हिसाब से सीन ले लें। तो जल्दी से हम एक बार सीन ले लेते हैं और सीन क्रिएट करते हैं। हाउस कैमरे एंगल ऐसा सीन लें, ऐसा ऐसे सेट करें हाउस को सबको कि तो कैमरा एंगल में ऐसे लगे जैसे कैमरे व्हील में बस्ती है। बना के छोड़ दो, कहीं कहीं दूर दूर हाउस लग दिए तो वो भी बेकार रहेगा। ज़्यादा हाउस भी नहीं लो, क्योंकि आप इससे आपका ऑब्जेक्ट इससे आपका प्रोजेक्ट काफ़ी हैवी हो जाएगा। अगर आपको आपका अगर लैपटॉप बहुत हैवी है तो अच्छा है, अगर कितने भी आप उसमें प्रॉप्स लो, मगर अगर आपका लैपटॉप की रैम कम है तो अगर आपने ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट बनाया तो आपका लैपटॉप स्लो चलने लगेगा। तो हम कुछ ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं, अभी कुछ हाउस ले लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए कर देते हैं यहाँ पर, देखिए इसके पीछे, ठीक है, और एक ये हाउस लेते हैं ऐसे यहाँ, पीछे ये ले लेते हैं से यहाँ पास में ला के यहाँ कर लेते हैं, काफी ऊंचा हो गया, छोटा नीचे कर देते हैं इसे, इसे ये ठीक है। एक और कुछ हाउस लेते हैं, ये ले लेंगे, ठीक है। अब हमारी ये एक बस्ती बन के रेडी हो गई, हमने ज्यादा हाउस भी नहीं लिए, एक हाथ और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। बाइक की अनुकारण स्कूटर टायर, चलो ये ठीक है, इतना हमने सीन ले लिया। अभी हमें क्या करना, कैरेक्टर को लेना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जो कैरेक्टर का यूज करने वाले हैं वो कैरेक्टर लेते हैं। अब ये हमने अपना सीन तो रेडी कर लिया, ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऊपर नीचे से दिखा देता हूँ सही से। ये हमने सीन बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हम एक कैरेक्टर जो इसका मालिक है उससे चलते हुए आएगा वो यहाँ से, तो वो अभी हम जब कैरेक्टर को लेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्टोरी हम इसके साथ करेंगे, ठीक है।